दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में शानदार मैच में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको उस वाक्य के बारे में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन बेहतरीन गेंदबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच सीजन का 11वां मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम की ओर से कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पावप्ले में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और बिना विकेट खोए 59 रन बटोरे। दोनों ने 10 ओवर में 94 रन बनाए। इस बीच महज 25 गेंदों में मयंक अग्रवाल ने अपना आईपीएल 2021 का पहला अर्धशतक पूरा किया। वहीं 59 रन बनाकर लुकमान मोरीवाल की गेंद पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान केएल राहुल ने 45 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। केएल राहुल 51 गेंदों में 61 रन की पारी खेल रहे हैं और वो कगिसो रबाडा की गेंद पर आउट हो गए। क्रिस गेल के रूप में पंजाब को तीसरा झटका लगा जो कि 9 गेंदों में 11 रन बनाकर क्रिस वॉक्स का शिकार बने। उनका कैच रिपल पटेल ने पकड़ा। चौथा झटका पंजाब को निकोलस पूरन के रूप में लगा जो कि 9 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर रबाडा के हाथों कैच आउट हो गए। दीपक हुड्डा 22 और शाहरुख खान 15 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके बाद पंजाब की टीम 20 ओवर में 196 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। इसके बाद दिल्ली की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो दूसरे में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी। ये मोहम्मद शमी के ओवर की तीसरी गेंद थी जिस पर मोहम्मद शमी फेंकने आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय पर शिखर धवन क्रीज से हट गए। लेकिन मोहम्मद शमी ने गुस्से में गेंद विकेट की तरफ मार दी। हालांकि इसके बाद दोनों में थोड़ी सी नोक झोंक देखी गई। हालांकि मोहम्मद शमी इस वाकये के बाद बेहद ही नाराज दिखे और गुस्सा करते हुए दिखे, लेकिन अंपायर की सूझबूझ से दोनों के बीच सुलह हो गई और अंपायर ने मोहम्मद शमी को समझाया कि शिखर धवन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। जब किसी खिलाड़ी को लगता है कि सामने कोई परेशान कर रहा है जिसकी वजह से खेलने में दिक्कत हो रही है, तो खिलाड़ी क्रीज से हटता है और ऐसे समय में आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। आपको परिस्थिति को समझना चाहिए। लेकिन मोहम्मद शमी बेहद ही गुस्से में नजर आए और किस तरह उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, मोहम्मद शमी को ऐसा लग रहा था कि मानो शिखर धवन उनके साथ मजाक कर रहे हों और जानबूझकर वो क्रीज से हटे हों, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी ने गुस्से में आकर गेंद सीधा स्टंप्स की तरफ मारी जिसे केएल राहुल ने पकड़ लिया। लेकिन अंपायर ने इसको डेड बॉल करार दिया और गेंद दोबारा डालने को कहा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस हादसे में किस खिलाड़ी की गलती थी, शिखर धवन या फिर मोहम्मद शमी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।